हे गाइस, वेलकम टू यस टेक्नोलॉजी। तो आज हम कुछ बात करेंगे 5G के बारे में, देखेंगे ये वाले फोन्स में वो 5G काम देता है या फिर नहीं। अगर ये काम नहीं देता है, क्या हमको एक नई फ़ोन खरीदना होगा जो कि 5G कनेक्टिविटी हो। तो देखेंगे, चेकआउट करेंगे इस वीडियो में, सब कुछ आपके क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। ये वीडियो सिर्फ आपके डिमांड से ही बनाई गई है, क्योंकि आपने बहुत सारा रिक्वेस्ट की है हमारे इंस्टाग्राम में कि भाई जल्दी से 5G आने वाला है, तो उसके बारे में एक वीडियो बनाओ और हमें दो, हम देखेंगे वो वीडियो, वो 5G में क्या कुछ है। तो मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ कवर अप करूंगा, आपकी सब क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले आपको जानना होगा कि 5G का मतलब क्या है। अगर आप नहीं जानते हो 5G का मतलब क्या है, 4G का मतलब क्या है, 3G का मतलब क्या है, अगर आप ये कुछ नहीं जान सकते तो आप मेरा वीडियो को समझ नहीं पाएंगे। दोस्तों, फर्स्ट आपको जानना चाहिए कि 5G क्या होता है। दोस्तों, 5G होता है 5th generation ऑफ सेलुलर डाटा। दोस्तों, हमारे जो डाटा पैक्स होते हैं, हमारे चाहे बात करते हैं फ़ोन्स में या फिर हम अलग से एक जियो वाईफाई, जैसे एक जियो फाई खरीदते हैं जहाँ पर हम वायरलेस डाटा हम कनेक्ट कर सकते हैं, बाय हॉटस्पॉट खरीदते हैं हम, तो दोस्तों यहाँ पर आप ये हॉटस्पॉट को हर जगह यूज़ कर सकते हैं। चाहे आप जो जगह पर हो, अगर 10 मीटर के दूरीता पे हो आप, तो आप ये नेट को यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो फ़ोन में सिम हो या फिर नहीं, चाहे वो टैबलेट हो, चाहे वो जो कुछ भी हो, आप ये यूज़ नहीं कर सकते पीसी में। अगर आप पीसी यूज़ करते हैं या फिर लैपटॉप यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर आप वायरलेस नहीं, आप वायर एक लगा कर वहाँ पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, बात करेंगे 5G के बारे में। तो 5G में हमें क्या क्या मिलता है। दोस्तों, 5G एक सेलुलर डाटा का 5th generation है। तो 5G अभी हम जानने को मिले हैं कि 5G में आपको जो डाटा आपको मिल रहा था 4G में, उससे 100% ज़्यादा आपको मिलेगा इसी 5G में। तो दोस्तों, आपको जो स्पीड है थोड़ा सा इंक्रीज हो जा रहा है, जो कि एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम 4G में डाउनलोड करते समय हमारे बहुत सारे समय निकल जा रहा था। हम एक ऐप्स को डाउनलोड करने के लिए करीब 1.5 मिनट या फिर 2 मिनट लग जा रहा था। तो अभी मैं आपको दोस्तों एक बात बताने वाला हूँ, जिसको सुनकर आपके आंखें फटी फटी रह जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर आप 4K में एक फिल्म या फिर एक मूवी, आप जो कुछ भी बोल सकते हैं, मैं उसको मूवी बोलता हूँ, मूवी को 4K वीडियो क्वालिटी में, दोस्तों ये लाइन को ध्यान से सुनिए, 4K वीडियो क्वालिटी की मूवी को आप 1 या 2 सेकेंड्स में डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, इतना फास्ट हो जाएगा इस 5G को। तो दोस्तों, 5G बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि 5G में आपको बहुत हाई स्पीड डाटा पैक्स आपको देखने को मिलता है, चाहे वो आप जो प्राइस के आप डाटा पैक डालें उसमें कोई मतलब नहीं, सिर्फ उसका जो डाटा पैक है वो बहुत ज़्यादा स्पीड है, हाई स्पीड डाटा आपको इस 5G में देखने को मिलता है। दोस्तों, अभी बात करेंगे 5G का डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज ये है कि आपका जो फ़ोन है, अगर वो 4G है, दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये मेरे पास एक 4G फ़ोन है, तो यहाँ पर मैं 4G में ये जो अगर सिम डालूंगा तो ये कोई काम का नहीं, सिर्फ 4G ही सपोर्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पर 5G कनेक्टिविटी का कुछ नहीं दी गई है। दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं 5G का फ़ोन करूँ दूँ तो, और इसको जो 5G का फ़ोन खरीद कर यहाँ पर 5G का सिम डालूँ, तो ये एक्टिविटीज़ काम देता है या फिर इफ़ेक्टिव होता है। दोस्तों, आप अगर 4G के फ़ोन में 5G डालेंगे तो आपका कोई भी काम नहीं होगा, जैसे 4G काम देता है वैसे ही रह जाएगा। दोस्तों, आपको क्या करना होगा, अगर आप 5G डालना चाहते हैं तो अभी दोस्तों देख सकते हैं, अगर आप आपका सिम खराब हो गया है तो आपको 5G डालना है। अगर 4G अगर बैन हो जाए, अगर 4G को बैन कर दिया जाए, तो आपको 4G के सिम्स को फेंकना होगा और दोस्तों 5G डालना होगा। अगर आपका 4G फ़ोन है तो आप 5G नहीं डाल सकते, तो आपको बाहर से एक फ़ोन खरीदना होगा, जो कि यहाँ पर एक डिसएडवांटेज माना जाता है।
तो दोस्तों यहाँ पर और एक भी बात आपको बताना चाहता हूँ कि 5G का जो है जो वर्ज़न आप सभी जगह पर नहीं पा सकते। आप जानते हैं कि चाइना में अभी 6th जनरेशन चल रहा है मोबाइल डाटा की, 5th जनरेशन को उन्होंने बैन कर दिया है और 6G में अप हो गए हैं। दोस्तों यहाँ पर 10G भी एक एक जगह पे चाइना कोरियन स्टेट्स में अभी चल रहा है 10G। तो हमारे दोस्तों 5G चल रहा है तो हम 5G के बारे में बात किए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ। आपका कार्य है कि आप उसको सोचेंगे, क्या कुछ आप करेंगे। दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो फिर से मिलेंगे और एक अच्छे टॉपिक के साथ। तो 5G में ये हो जाएगा अपडेट, 5G प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए। और हाँ, एक खुशखबरी है कि मैंने आपके लिए अपने वेबसाइट को लेटेस्ट बना दिया है। जाइए, बहुत सारे थंबनेल्स है, बहुत सारे अच्छे फीचर्स ऐड किए गए हैं, जाइए और उसको यूज़ करिए और मुझे बताइए आपको ये कैसा लगा। तो टेक केयर एंड बाय बाय।